दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए। और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आजकल इतनी टेंशन रहती है कि नींद ही नहीं आती है ना। अगर आप भी ऐसे ही किसी को जानते हैं जिसे नींद आने में ज्यादा समय लगता है या तकलीफ होती है, तो उसके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज मैं प्रस्तुत करती हूं पुराणों से प्रेरित एक खूबसूरत कहानी। ये कहानी आपको त्रेता युग की एक अनोखी कथा सुनाएगी, जिसे सुनकर आपका मन शांत होगा और आपको बेहतर नींद प्राप्त होगी। कौओं को पिंडदान देने के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी छुपी हुई है। यह उस समय की बात है जब धरती पर त्रेता युग चल रहा था और भगवान श्री राम और माता सीता एक वन में एक साथ समय व्यतीत कर रहे थे। तब कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी धरती पर हलचल मचा दी। और आखिर वह कौन सा कौआ था जिसे भगवान श्री राम से एक ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ जिसके कारण आज दुनिया भर में कौओं की प्रजाति को पितरों का सूचक माना जाता है। आखिर वह क्या था, आइए जानते हैं आज की इस रोमांचक कहानी में। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है।
आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। त्रेता युग के समय की बात है। भगवान श्री राम अपनी भार्या सीता के साथ पंचवटी में निवास कर रहे थे। पंचवटी में उन्होंने वहां के स्थानीय ऋषि मुनियों की सहायता से एक पर्ण कुटी बनाई। पर्ण कुटी एक ऐसी कुटिया थी जो पत्तों से निर्मित होती है। लक्ष्मण जी भी बड़े ही सेवा भाव से कुटिया बना रहे थे। उनका सेवा भाव देखकर भगवान श्री राम और सीता जी बहुत खुश हो रहे थे। श्री राम और माता सीता उस कुटिया में निवास करने लगे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। पंचवटी का मन भावन दृश्य उनके रोम रोम को पुलकित कर रहा था। भगवान श्री राम अक्सर माता सीता के साथ आसपास के इलाके में भ्रमण के लिए जाते थे और सुंदर फलों और फूलों को देखते रहते थे। कोयल की कूक को सुनते थे। वहां का वातावरण बहुत ही मनमोहक था। फूलों की कलियां सूरज की रोशनी पड़ने से खिलती जा रही थी और लताएं वृक्षों को आपस में ऐसे जकड़े हुए थीं कि जैसे कोई बालक अपनी माता को प्रेम से आलिंगन करता है। पुष्पों की सुगंध पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। सारा का सारा उपवन ऐसे महक रहा था जैसे स्वर्ग साक्षात धरती पर उतर आया हो। मंद मंद वायु बह रही थी जो वातावरण को और भी ज्यादा मनमोहक बना रही थी। भगवान राम और माता सीता का प्रेम जगत में सबसे अनूठा है। उनका केवल प्रेम ही नहीं, उनकी साझेदारी और उनकी मित्रता भी किसी से छुपी नहीं थी। भगवान श्री राम सीता माता को अपनी भार्या ही नहीं बल्कि अपनी मित्र भी समझते थे और उनसे सब कुछ साझा करते थे, उनसे सलाह मांगते थे और उनसे मार्गदर्शन भी यदा कदा पा लिया करते थे। एक दिन की बात है, माता सीता भगवान श्री राम के साथ उपवन में बैठी थी और अपने पल्लू को हिलाते हुए भगवान श्री राम को पंखा कर रही थी। श्री राम आराम कर रहे थे। उसी बीच एक कौआ बार बार माता सीता को चोट मार कर जा रहा था। वह बार बार अपनी चोंच से माता सीता को घायल कर रहा था। माता सीता बार बार उसे अपने हाथ से उड़ा देती थी, तो कभी अपनी साड़ी के पल्लू से दूर भगा देती थी। परंतु वह तो टस से मस नहीं हो रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब यही सब कुछ देर तक चलता रहा तो माता सीता ने उसे
जोर से झटका दिया। तब जाकर उसने माता सीता के ऊपर कई आक्रमण कर दिए और अपनी चोंच से जोर से चोट मारने लगा। वह माता सीता के गर्दन पर प्रहार कर रहा था। तब वहां से कई जगह से थोड़ा थोड़ा खून रिसने लगा और बहुत देर तक यह जद्दोजहद चलती ही रही। माता सीता नहीं चाहती थी कि श्री राम नींद से उठ जाए, क्योंकि वह बहुत शांति से विश्राम कर रहे थे। उन्हें इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। परंतु कहते हैं ना कि जो होना होता है वह होकर ही रहता है। गर्दन से जो खून निकल रहा था उसकी एक बूंद जाकर भगवान श्री राम के माथे पर गिर गई, जिससे भगवान श्री राम की निद्रा टूट गई और वह एकदम से खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक कौवा माता सीता को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और बार बार प्रहार कर रहा है। यह सब देखकर भगवान श्री राम बहुत क्रोधित हुए और माता सीता के गर्दन का घाव देखकर वह और ज्यादा क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने तुरंत माता सीता से कहा, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? यह कौवा जरूर ही कोई दुष्ट आत्मा है जो इस तरीके से आपको परेशान कर रहा है। इसका क्या प्रयोजन था जो यह इस तरह से आपके ऊपर आक्रमण कर रहा था? हो ना हो, यह जरूर कोई दुष्ट आत्मा ही है और मैं इसे जरूर दंडित करूंगा। माता सीता भगवान श्री राम से कह रही थी कि आप इसे क्षमा कर दीजिए और छोड़ दीजिए। जानवरों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। परंतु भगवान श्री राम ने माता सीता की कोई बात नहीं सुनी और उनकी बातों को नजरअंदाज करके उस कौवे को दंडित करने का मन बना लिया। तब जाकर उन्होंने पास पड़े एक सरकंडे को लिया और उसे कुछ मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित कर दिया। थोड़ी ही देर में वह सरकंडा एक ब्रह्मास्त्र का रूप लेकर तैयार हो गया। तब भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को उस कौवे के ऊपर छोड़ दिया। पक्षी आगे आगे भाग रहा था और ब्रह्मास्त्र उसका पीछा कर रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आज उसने ऐसी क्या गड़बड़ कर दी है जो उसे ऐसा दंड मिल रहा है। तभी वो कौवा उड़ते उड़ते अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल वह कौवा इंद्रदेव का पुत्र जयंत था, जो भगवान श्री राम की शक्ति की परीक्षा लेना चाहता था। परंतु वह यह भूल गया था कि शक्ति की परीक्षा लेते समय यदा कदा आदि कोई भूल हो गई तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जितने विनम्र माने जाते हैं उससे भी ज्यादा उनका क्रोध धरती को तहस नहस कर सकता है। और वह यह बात भूल चुका था। अपने असली रूप में आने के बाद जयंत इधर उधर चक्कर लगा रहा था, परंतु वह ब्रह्मास्त्र उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसने सोचा अब एक ही मार्ग है कि वो किसी भी तरीके से इंद्रलोक पहुंच जाए तो उसे उसके पिता इंद्रदेव बचा लेंगे। ऐसा सोचकर
वह पंचवटी छोड़कर इंद्रलोक की तरफ उड़ने लग गया, परंतु अभी भी ब्रह्मास्त्र उसके पीछे ही था और उसका पीछा कर रहा था। जयंत बहुत अधिक तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था, परंतु उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा था। जितने अधिक गति से वह आगे बढ़ता, उतने ही अधिक गति से ब्रह्मास्त्र उसका पीछा करने लगता। जयंत थकान से चूर इंद्रलोक गया और वहां जाकर अपने पिताजी से गुहार करने लगा। हे पिताजी, मुझे बचाइए, भगवान श्री राम का ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे पड़ा है। तब इंद्रदेव ने अपने पुत्र जयंत से उसकी इस परेशानी का कारण पूछा। तब जयंत ने अपने पिता इंद्रदेव को सब कुछ सच बता दिया कि किस तरह उसने भगवान श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र उसके पीछे छोड़ दिया। तब जाकर इंद्रदेव ने कहा कि अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता, यह मेरे बस के बाहर है। तुमने भगवान श्री राम को क्रोधित किया है, इसका कोई इलाज नहीं है। पुत्र, तुमने बहुत गलत कदम उठा लिया है। तुम ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करो, हो सकता है वह कुछ कर पाए। तब जयंत ब्रह्मलोक गया और वहां जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगा। ब्रह्मास्त्र अभी भी उसका पीछा कर रहा था। ब्रह्मलोक पहुंचकर उसने ब्रह्मा जी को सारा वृतांत सुनाया कि किस प्रकार भगवान श्री राम ने क्रोधित होकर उसके पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। ब्रह्मा जी ने यह सब जानकर उसकी बहुत निंदा की कि तुमने ऐसा कार्य क्यों किया, साक्षात परमेश्वर को क्रोधित कर दिया, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर भी यदि तुम चाहते हो तो एक बार कैलाश चले जाओ और भगवान शिव से प्रार्थना करो, हो सकता है वह तुम्हारी कोई मदद कर पाए। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं तुम्हें भगवान राम के ब्रह्मास्त्र से बचा सकूं। तब जयंत वहां से निकलकर कैलाश की ओर चल दिया। थकान से चूर अपने प्राण बचाते हुए वह कौआ उड़ते उड़ते कैलाश पहुंचा और वहां जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। भगवान शिव समाधि में लीन थे, उसके बोलने पर भी वह नहीं जाग रहे थे, परंतु जब उसने प्रार्थना की और अपना वृतांत सुनाया तब उसके रुदन से प्रभु जाग गए और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछने लगे। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। भगवान शिव को जयंत ने सब कुछ कह सुनाया। ये सुनकर भगवान शिव भी बहुत क्रोधित हुए और बोले, तुमने घमंड में आकर अपनी शक्ति में चूर होकर भगवान राम की शक्ति का परिचय पाना चाहा, यह बहुत ही गलत किया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, मैं भी तुम्हें शरण नहीं दे सकता हूं। इस प्रकार अलग अलग लोकों में घूमने के बाद भी जयंत को कोई शरण देने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई भी श्रीराम के कोप का
भागा नहीं बनना चाहता था, इसीलिए किसी ने उसको शरण नहीं दी थी। तब जाकर वे थकान से चूर इधर उधर लोकों में भटक रहा था। तब नारद जी उसके सामने प्रकट हुए। नारद जी को देखकर जयंत ने प्रणाम किया और अपनी परेशानी का कारण बताया। तब नारद जी ने कहा, हे पुत्र जयंत, तुमने निश्चित ही बहुत निंदनीय कार्य किया है, इसका कोई निवारण नहीं है। परंतु इसका केवल एक ही निवारण हो सकता है, और वह है भगवान श्री राम की शरण में चले जाओ। जिन्होंने तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, अब वही तुम्हारी ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर सकते हैं। यदि तुम अपना प्राण बचाना चाहते हो और अपने जीवन से प्रेम करते हो, तो श्री राम के चरण पकड़ लो। हो सकता है उन्हें तुम पर दया आ जाए और वह तुम्हें जीवन दान दे दे। जयंत को नारद जी की यह बात भा गई और वह तुरंत भगवान श्री राम की तरफ उड़ चला। पृथ्वी लोक पर आकर वह भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ा और उनसे अपने प्राणों का जीवन दान मांगने लगा। जयंत ने कहा, हे प्रभु श्री राम, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अभागा आपकी महिमा को समझ ना पाया। आपकी शक्ति का परिचय पाने के लिए, इसका अंदाजा लगाने के लिए और आपकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह खेल रचाया था। परंतु मैं कहां जानता था कि यह मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ जाएगा और आप इतने क्रोधित हो जाएंगे कि ब्रह्मास्त्र मेरे ऊपर छोड़ देंगे, जिससे मेरी कोई भी रक्षा नहीं कर पा रहा है। मैं अत्यंत क्षमा प्रार्थी हूं, कृपया करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे अपने प्राणों की भीख मांगता हूं। आप जैसा इस संसार में कोई भी नहीं है। हे करुणा निधान, हे दया के सागर, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मेरी गलती को क्षमा करके मुझे इस ब्रह्मास्त्र से छुटकारा दिलाएं। उसका रुदन सुनकर भगवान श्री राम को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, परंतु माता सीता अत्यंत व्याकुल होकर जयंत की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री राम से कहने लगी, हे प्रभु, इसने जो आघात मुझ पर किया है, उसके लिए मैंने इसे मन में ही क्षमा कर दिया है। इसीलिए कृपा करके आप भी इसे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान श्री राम कहते हैं, अगर इसने मुझ पर आघात किया होता तो मैं क्षमा कर देता, परंतु इसने मेरे प्राणों से भी प्यारी सीता के ऊपर आघात किया है, इसीलिए मैं इसे कदापि क्षमा नहीं कर सकता हूं। परंतु माता सीता के बार बार कहने पर भगवान श्री राम का हृदय भर आया और उन्होंने जयंत को प्राण दान दे दिया। उन्होंने जयंत को क्षमा कर दिया, परंतु उन्होंने कहा कि मैं धनुष से निकले ब्रह्मास्त्र को वापस तो नहीं मोड़ सकता, परंतु उसकी दिशा जरूर बदल सकता हूं और उसके प्रभाव को कम कर सकता हूं। इसीलिए भगवान श्री राम ने उस ब्रह्मास्त्र को
जयंत की आंख पर केंद्रित कर दिया। ब्रह्मास्त्र जयंत की एक आंख पर आकर लगा और उस आंख को घायल कर दिया, जिससे उसकी एक आंख फूट गई। जयंत के प्राणों की रक्षा तो हो गई, परंतु अब वह एक आंख से अंधा हो चुका था। तब उसने भगवान श्री राम से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा के लिए आपका अत्यंत धन्यवाद, परंतु प्रभु, मेरे मन को एक बात खाई जा रही है। भगवान श्री राम ने निसंकोच उसे अपनी बात रखने को कहा। तब जयंत ने कहा, प्रभु, मेरे इस निंदनीय कार्य के कारण संसार मुझे नफरत की दृष्टि से देखेगा, इसीलिए आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरा यह निंदनीय कार्य संसार की नजरों से समाप्त हो जाए और कोई भी मुझसे घृणा ना करे। तब भगवान श्री राम ने जयंत की प्रार्थना पर उसे आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जो भी मनुष्य पकवान आदि बनाकर कौवे के रूप में तुम्हें अर्पण करेगा, तब वह भोजन सीधा पितरों तक पहुंच जाएगा और तुम्हें पितरों का एक संदेशवाहक और सूचक माना जाएगा। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हें पहला भोग खिलाएंगे। तुम्हें खिलाया गया भोजन पितरों को तृप्त करने के बराबर होगा। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने जयंत को आशीर्वाद दिया और उसे वापस इंद्रलोक जाने के लिए कहा। भगवान से आज्ञा पाकर जयंत इंद्रलोक चला गया। उस दिन के बाद से यह प्रथा चली आ रही है कि जो भी श्राद्ध के दिनों में अपने पितृ देवताओं को तृप्त करना चाहता है, वह सबसे पहला भोग निकालकर पकवान आदि बनाकर कौवे को खिलाता है, जिसके कारण वह भोजन पितृ देवताओं को खिलाने के समान समझा जाता है। एक संदेशवाहक की तरह कौवे से सीधे पितृ देवताओं तक वह भोजन पहुंच जाता है और पितृ देवता हमें धन धान्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और सदा तृप्त रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, कौओं को पिंडदान। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, अब आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि। अगर आपको शांभवी यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानी सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।